फिल्म में एक्शन भरपूर है एंड इट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट एन आउट एंड आउट एक्शन फिल्म रिलीज हो रही है. सो दैट्स वन मेजर प्लस पॉइंट. दूसरा प्लस पॉइंट, ऋतिक रोशन एंड हिज वंडरफुल फिजिक. इतने खूबसूरत नजर आ रहे हैं ऋतिक रोशन. और जैसा मैंने पहले भी कहा था, ऋतिक रोशन की वैसे भी बहुत कम फिल्में रिलीज होती है, तो देयर इज ऑलवेज अ हंगर टू सी ऋतिक रोशन. तीसरा प्लस पॉइंट और बहुत ही अच्छा हाईलाइट लगता है, वो है संजय दत्त का लुक, संजय दत्त लुक एंड संजय दत्त एक्टिंग फिजिक एक्सेट्रा. संजय दत्त बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं एंड विलन के रूप में ये मेरे ख्याल से इस फिल्म में जरूर चमकेंगे. चौथा प्लस पॉइंट, द म्यूजिक ऑफकोर्स. इस फिल्म के गाने बहुत ही पॉपुलर हो गए, स्पेशली द चिकनी चमेली सॉन्ग. ये आइटम सॉन्ग है जो बाद में एड किया गया, बट यू कैन बी श्योर दैट दिस सॉन्ग विल कॉन्ट्रीब्यूट greatly to the box office revenues jo is film ke aate hain. And let us add that Katrina Kaif, who was known as the girl with two left feet, itna badhiya dance kiya hai unhone ki jo Sheila ki jawani gana hai uske takkar ka ye dance hai. Such a vigorous and such an energetic song that this would be one of the major highlights. Ek aur plus point is film ka bahut hi bada highlight hai, wo hai is film ki marketing. करण जौहर ने इस फिल्म की मार्केटिंग इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया की है दैट सबके जुबान पर एक ही नाम है और वो है अग्निपथ. प्लस व्हाट गोज इन फेवर ऑफ द फिल्म फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, नथिंग टू डू विद द फिल्म और इट्स इंट्रेंसिक मेरिट्स, इज दैट तीन हफ्तों से सूखा पड़ा है. जनवरी के पहले वीक में प्लेयर्स रिलीज हुई थी विच डिड नॉट डू गुड बिजनेस, इसलिए लोगों ने उस फिल्म को मिस किया, यानी मिस दिया, एक्चुअली दे डिड नॉट गो टू सी दैट फिल्म. और उसके दो हफ्तों बाद तक देयर वाज नो मेजर रिलीज, यानी द हंगर द थर्स्ट फॉर गुड एंटरटेनमेंट बनी है एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई अग्निपथ विल टेक अ फ्लाइंग स्टार्ट. यू कैन बी श्योर कि इस फिल्म की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी एंड इन फैक्ट ट्रेड में बेट्स लगाए जा रहे हैं कि अग्निपथ के फर्स्ट डे के कलेक्शन कितने होंगे, फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शन कितने होंगे. एंड डोंट बी सरप्राइज्ड इफ अग्निपथ की ओपनिंग टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एवर ओपनिंग्स इन बॉलीवुड हिस्ट्री सो फार. जी हां, इस फिल्म की गर्मी बहुत बन गई है एंड द बज इज जस्ट राइट. यानी कहने का मतलब है दिस फिल्म इज स्ट्राइकिंग एग्जैक्टली व्हेन द आयरन इज हॉट. बहुत सही टाइम पर रिलीज हो रही है एंड जैसा हमने पहले भी आपको बताया, इट्स द नेशनल हॉलिडे ऑफ रिपब्लिक डे, जब सारे लोग घर बैठे होते हैं. सही समय पर रिलीज हो रही है बिकॉज एवरीबडी इज फ्री ऑन दैट पर्टिकुलर डे. देयरफॉर द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट वीकेंड्स कलेक्शंस शुड डेफिनेटली बी एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट. ऋतिक रोशन और संजय दत्त के अलावा इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और ऋषि कपूर भी है इन इंपॉर्टेंट रोल्स. प्रियंका चोपड़ा ऑफ कोर्स इज द हीरोइन, काली के रूप में वो है. हर नेम, हर स्क्रीन नेम इज काली. एंड भले ही छोटा रोल हो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज एन एक्शन फिल्म एंड दिस इज अ फिल्म ऑन रिवेंज, तो ऋतिक रोशन और संजय दत्त की मुख्य भूमिकाएं हैं. बट कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा का भले ही छोटा रोल हो, शी एक्चुअली डज अ गुड जॉब. एंड देयर इज ऋषि कपूर आल्सो इन अ नेगेटिव रोल. वो एक ड्रग लॉर्ड है, तो एक नेगेटिव शेड्स का कैरेक्टर है. दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर करण मल्होत्रा. तो देयर आर टू करण्स एक्चुअली इन दिस फिल्म, करण जौहर द प्रोड्यूसर एंड करण मल्होत्रा द डायरेक्टर. इस फिल्म के डायलॉग्स, प्रोमोस से ऐसे लगता है कि डायलॉग्स विल बी अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द फिल्म. एंड इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं पीयूष मिश्रा ने. द स्क्रीन प्ले ऑफकोर्स इज बाय करण मल्होत्रा हिमसेल्फ, हु इज द फर्स्ट टाइम और द डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. तो पीयूष मिश्रा के डायलॉग्स ऑल्सो कुड वेल टर्न आउट टू बी वन मेजर हाईलाइट ऑफ द फिल्म.